सो गाइज, आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ओवरफ्लो। आज हम पढ़ेंगे ओवरफ्लो को। सबसे पहले तो ओवरफ्लो पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप ओवरफ्लो को इसलिए समझ पाओगे। तो सबसे पहला जो चीज़ आता है उसमें होता है प्रायोरिटी। डेटा टाइप्स की क्या प्रायोरिटी है, किस हिसाब से डेटा टाइप्स वर्क करते हैं हमारे C++ में, तो वो मैंने लिख रखा है आपके लिए बोर्ड पर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे वाले जो डेटा टाइप्स हैं इनकी प्रायोरिटी सबसे कम है, और सबसे ऊपर जो डेटा टाइप्स फ्लो डबल इनकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो कैरेक्टर की सबसे कम प्रायोरिटी, फिर उसके ऊपर इंटीजर, फिर लॉन्ग इंट, फिर लॉन्ग लॉन्ग इंट, फ्लोट डबल। अब मैंने आपको लॉन्ग इंट के बारे में नहीं बताया क्योंकि इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते। अब मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो आपको बता दूंगा इस क्या यूज़ है इसका। थोड़ा बहुत इसका ज़्यादा हम यूज़ नहीं करेंगे, हम मैक्सिमम टाइम लॉन्ग लॉन्ग इंट और फिर का यूज़ करेंगे। तो ये हो गई प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिख रखा है। प्रिंट क्या है, मैंने A+15 कैरेक्टर, क्या ये A+15। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका आउटपुट मैंने यहाँ पे 112 क्यों लिख रखा है, क्यों आउटपुट 112 आ गया। ये तो एक क्या है, एक कैरेक्टर है, और एक कैरेक्टर में हम क्या किंटी, जब हम इंटर आएंगे तो सोचेंगे एरर आना चाहिए, लेकिन एरर नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पीछे हो क्या रहा है, आप सीन को समझिए। ये ए क्या है, एक कैरेक्टर, और कैरेक्टर की क्या होती है, एक एस्काई वैल्यू होती है। एस्काई वैल्यू क्या होती है, इंटीजर। तो ए की क्या एस्काई वैल्यू होगी, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता रखा था। एस्काई वैल्यू स्मॉल है कि 97 है, उसमें आपने 15 ऐड किया तो 112। तो क्या हुआ, ये क्यों इंटीजर में आंसर आया, क्यों नहीं A+15 का आंसर आया, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए डेटा की जो प्रायोरिटी है उसमें इंटीजर का जो ठीक है कैरेक्टर से ज़्यादा है। तो जो आंसर आएगा इन दोनों में इंटीजर के अकॉर्डिंग आएगा। इस जो लाइन है ये स्टेटमेंट, इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसके, इंटीजर की, तो आंसर क्या आया, इंटीजर आया। उस तरह से सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इस लाइन में क्या है, ये दोनों ही इंटीजर्स हैं 5 और 2। 5 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, तो जब आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आता है, 2.5 आता है। यूजुअल हम डिवाइड करते हैं जब अपने कॉपी पे, हमने जो डिवाइड सीखा क्या 2.5, लेकिन यहाँ पे आंसर आएगा 2। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये 5 क्या है, इंटीजर है, और ये 2 क्या है, ये भी एक इंटीजर है। जब इंटीजर को इंटीजर से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर भी इंटीजर ही आएगा, इसलिए वहाँ पर आंसर क्या है, 2। ऐसा C++ में होता है। अब ये क्या है, तीसरा एग्जांपल देखिए, 5.0.2। ये सेम ही दोनों एग्जांपल्स हैं, बस यहाँ पे 5.0 लगा हुआ। 5.0 का मतलब क्या है, ये फ्लोट वैल्यू है, और फ्लोट वैल्यू है तो फ्लोट अपॉन इंटीजर। अब यहाँ पे आप देख लीजिए प्रायोरिटी डेटा टाइप्स की, इसमें फ्लोट की प्रायोरिटी इंटीजर से ज़्यादा है, तो जो कैलकुलेशन होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, फ्लोट के अकॉर्डिंग। तो आंसर क्या आएगा हमारा, फ्लोट के अकॉर्डिंग। तो इसमें आंसर 2.5 आया, क्योंकि ये 2.5 क्या है, फ्लोट वैल्यू। फ्लोट क्यों आए, क्योंकि इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, फ्लोट की। तो इस तरह से होते हैं कैलकुलेशंस प्रायोरिटी के हिसाब से डेटा टाइप्स के। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, ओवरफ्लो में अब हम देखते हैं, पहले रेंजेस को देख लेते हैं कि रेंज क्या होते हैं, इंटीजर की क्या रेंज है। मैंने ये पहले भी बता रखा था, अभी भी आपको अप्रॉक्सली एक हार्डली एक रेंज याद रखना है कि ये रेंज है, एक्यूरेट रेंज नहीं है, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है, हेल्प होगी क्वेश्चन करने में आपको। इंटीजर कहाँ तक होता है, 10 की पावर 9 तक, और फिर -10 की पावर 9 से 10 की पावर 9 तक। लॉन्ग इंट कहाँ तक जाता है, 10 की पावर 12 तक, -10 की पावर 12 से 10 की पावर 12 तक। और लॉन्ग लॉन्ग इंट कहाँ तक जाता है, -10 की पावर 18 से लेकर 10 की पावर 18 तक। इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते लॉन्ग इंट का, इसलिए मैंने आपको इसको पहले नहीं बताया था। अब देखते हैं ओवरफ्लो एक्चुअली में कैसे होता है, तो उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है आपके लिए समझाने के लिए ओवरफ्लो को। तो देखते हैं एग्जाम्पल से, एक इंटीजर लिया है ए, उसको वैल्यू दे दी हमने 10 की पावर 7, बिल्कुल दे सकते हैं क्योंकि इंटीजर की रेंज कहाँ तक है, 10 की पावर 9 तक। फिर हमने एक इंटीजर लिया बी, उसको वैल्यू असाइन कर दी 10 की पावर 6, क्योंकि ये भी वैलिड है, 10 की पावर 6 हम लोग रख सकते हैं। फिर हमने एक बनाया इंटीजर सी, और उसमें ए और बी का मल्टीप्लीकेशन स्टोर किया। फिर हमने क्या किया, सी को प्रिंट कराया। जब हमने सी को प्रिंट कराया तो हमें आउटपुट कुछ अजीब सा मिला, जबकि हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए था, 10 की पावर 13, मतलब 1 के आगे 13 जीरोस, लेकिन वो नहीं मिले हमको। हमको क्या मिला, कुछ ऐसा अजीब सा नंबर मिलेगा, हो सकता है नेगेटिव नंबर ही मिले। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न भी मैंने यहाँ लिख रखा है, ऐसा क्यों हुआ गाइस, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया 10 की पावर 6 और 10 की पावर 7 को। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उसको कहाँ स्टोर किया, एक इंटीजर में, जबकि हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर क्या है, 10 की पावर 13। 10 की पावर 13 इस रेंज से बाहर है और उसको हम इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकते। जब हमने इंटीजर सी बनाया, सी की भी रेंज इतनी होनी चाहिए थी 10 की पावर 9 तक, बट ये क्या हो गई, क्रॉस कर गई रेंज, तो इसलिए ओवरफ्लो अकर्ड, मतलब ओवरफ्लो हो गया यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, जो ओवरफ्लो हुआ है अभी हमारे इस प्रोग्राम के अंदर, उस ओवरफ्लो को रोकने के लिए आप लोगों के दिमाग में एक आइडिया आ रहा हो कि क्यों ना हम जो हमारा ए था, जो बी था और जो सी था, उसको हम डबल में स्टोर करें, डबल डेटा टाइप में, क्योंकि डबल की रेंज बहुत ज़्यादा होती है, तो हम डबल में स्टोर कर सकते हैं उनको, आप लोग ये सोच रहे होंगे। लेकिन हम डबल में हमेशा स्टोर नहीं कर सकते, उसका रीज़न क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ आपने डबल में स्टोर कर दिया 10 की पावर 17, तो क्या होगा, प्रिसीजन एरर आता है। मीन्स डबल क्या करता है ना,
बहुत ज़्यादा स्टोर तो कर सकता है, लेकिन हमारे पास मेमोरी क्या है, लिमिटेड है। डबल क्या कर सकता है, बहुत बड़े नंबर्स को स्टोर कर सकता है, लेकिन मेमोरी हमारी क्या है, लिमिटेड है, जिसकी वजह से प्रिसीजन एरर आता है। मीन्स अगर सपोज आपका आंसर आता है 10^24, 10^25, तो आपका जो डबल में अगर आप स्टोर करते हो उसको, तो आंसर आता है 9999 24 टाइम्स पॉइंट बाय कुछ एरर, प्रिसाइज आंसर एकदम नहीं आता। मीन्स 10^24 नहीं आता, अप्रॉक्स आंसर आता है, एकदम 10^24 के क्लोज में कोई नंबर आता। तो हमको वो नहीं चाहिए। सपोज आप कोई कंपटीशन दे रहे हो, वहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड आंसर 10^24 है, लेकिन आपका आंसर जो आ रहा है वो पॉइंट में करते हुए आ रहा है 9999 पॉइंट, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा आपका आंसर। इसके लिए आप डबल का हमेशा यूज़ नहीं करते, प्रेसिजन एरर आता है इस। हम क्या करेंगे तब, हम यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग लॉन्ग। लॉन्ग लॉन्ग क्रियंस क्या होती है, 10^19 18, सॉरी मैंने आप बता रखा है आपको, तो 10^18 हम लॉन्ग लॉन्ग ए कर दें इसको, लॉन्ग लॉन्ग बी, लॉन्ग लॉन्ग सी, तो फिर हमारा जो आंसर आ रहा था क्या था, 10^6 प्लस 10^7, 10^13, वो क्या आता हमारा लॉन्ग लॉन्ग की रेंज में आता, 10^18 से उसका वैल्यू जो है नीचे है, तो ओवरफ्लो नहीं होता। और तो ये एक तरीका होता होगा। दूसरा तरीका हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ए इंटू बी, इसके में अंदर में हम 1 LL लगाते हैं। 1 LL का मतलब क्या होता है मैं बता दूँ, 1 LL मीन्स इसको हमने क्या कर दिया, लॉन्ग लॉन्ग में चेंज कर दिया। अभी मैंने आपको बताया था प्रियोरिटी ऑर्डर, तो उसमें लॉन्ग लॉन्ग की प्रियोरिटी क्या होती है, इंटीजर से ज़्यादा होती है। तो ये क्या है इंटीजर, ये क्या है इंटीजर, और ये क्या है लॉन्ग लॉन्ग, तो आंसर क्या आएगा लॉन्ग लॉन्ग में, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग की प्रियोरिटी इंटीजर से ज़्यादा है। तो इसमें भी ओवरफ्लो नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग की भी जो रेंज है 10^18 से 18 तक है, और हमारा आंसर 10^13 तक है, तो वो आंसर इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो ये हो गई इसकी बात, ओवरफ्लो की बात, कि ओवरफ्लो कैसे हो रहा है, ओवरफ्लो को रोकना कैसे है, वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। आप या तो यहाँ पे 1 LL लगा दें, या फिर या इन सबको लॉन्ग लॉन्ग। तो गाइस अगर इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो, अगर कोई आपको डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर मैं अपना इंस्टाग्राम का नीचे लिंक दे दूंगा, या व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ आके भी हमसे पूछ सकते हैं। और इस जितने भी हमने अभी कंसेप्ट पढ़े हैं उनके हम कोड देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिससे कि आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो प्लीज़ घबराएं, अगर कुछ भी समझ में आए तो आपको कोड में तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के, इस प्लेलिस्ट के बारे में, ताकि सारे लोग कुछ ना कुछ सीख सकें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।